Hi friends, I welcome you all on behalf of Avipsa team and today we are going to learn the use of on behalf of. On behalf of क्या होता है On behalf of एक prepositional phrase है एंड आज हम जानेंगे इसकी यूज़ के बारे में On behalf of का मतलब होता है कि ओर से की तरफ से या फिर किस जगह पे. जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे राम नाम का एक लड़का है और ये उसकी बहन है और ये एक लड़का है जिसे हम मान लेते हैं श्याम अब यहाँ पे जैसे कि राम है ये कुछ अमाउंट पकड़ा हुआ है और ये कहता है कि मैं जो है ये अमाउंट अपनी बहन की ओर से दे रहा हूँ तो ये क्या कहेगा आई एम गिविंग दिस अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ माई सिस्टर तो इस तरह से हम ऑन बिहाफ ऑफ का यूज़ की जगह पे की तरफ से या फिर की ओर से के सेंस में करते हैं अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो स्ट्रक्चर क्या है कोई भी सेंटेंस लेना है सेंटेंस चाहे प्रेजेंट का रहे चाहे पास्ट का रहे चाहे फ्यूचर का रहे है। और साथ में फिर आगे हम लिखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट अब बात आती है ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट में कई सारे चीज़ें हो सकती है जैसे यदि मैं बोलूँगा मेरी ओर से तो मी हो गया हमारी ओर से यानी अस हो गया तुम्हारी ओर से या आपकी ओर से तो यू हो गया एंड यदि मैंने लिखा हिम यानी उसकी ओर से लड़के की ओर से यानी मेल की ओर से वैसे यदि हमने लिखा हर यानी उसकी ओर से यानी फीमेल गर्ल के लिए लड़की के लिए यदि मैंने लिखा देम तो उनकी ओर से यानी दो या दो से अधिक लोगों की ओर से उसके बाद हम लिखेंगे नेम मतलब कोई भी नाम तो नाम जो है नाम की ओर से जैसे राम की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ राम श्याम की ओर से ऑन बिहाफ ऑफ श्याम सो so इस तरह से एक एग्जाम्पल uh, है आई वॉन्ट टू सी समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ़ यू सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं जो है तुम्हारी ओर से कुछ कहना चाहता हूँ तुम्हारी ओर से ऑन बिहाफ ऑफ यू यदि मैंने बोला कि मैं हमारी ओर से कुछ कहना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ अस मैं उसकी ओर से उस लड़की की ओर से कुछ कहना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिम मैं उसकी ओर से कुछ कहना चाहता हूँ यानी फीमेल की ओर से तो होगा आई वॉन्ट टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर मैं उनकी ओर से कुछ कहना चाहता हूँ यानी एक से ज़्यादा लोग यानी दो या दो से अधिक लोगों की तरफ से तो होगा आई वॉन्ट टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ दे यदि मैं कहूँगा कि मैं राम की ओर से कुछ कहना चाहता हूँ इट मीन्स आई वॉन्ट टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ राम सो इस तरह से हम जो है ऑन बिहाफ आपका यूज़ कर सकते हैं अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स राम इज़ गिविंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ हिज सिस्टर जैसा कि हमने चित्र में देखा था तो यहाँ पे क्या होगा कि राम जो है पैसे दे रहा है किसकी ओर से अपनी बहन की ओर से राम अपनी बहन की ओर से पैसे दे रहा है यानी अमाउंट दे रहा है तो ऑन बिहाफ ऑफ हिज सिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ और हिज सिस्टर ये ऑब्जेक्ट वैसे ही आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सा टीम जैसा कि मैंने सेंटेंस के शुरू में कहा था वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा था आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सा टीम इट मीन्स मैं अभिप्सा टीम की ओर से मैं अभिप्सा टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ ठीक है तो ऑन बिहाफ ऑफ अभिप्सा टीम वैसे ही ही विन टू द पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ मी ऑन बिहाफ ऑफ मी यानी मेरी ओर से या मेरी जगह पे तो यहाँ पे हो जाएगा कि वह मेरी जगह पे पार्टी पे गया था वैसे राधा इज मेकिंग टी ऑन बिहाफ ऑफ रीना तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राधा जो है चाय बना रही है राधा चाय बना रही है। किस की जगह पे रीना की जगह पे तो रीना की जगह पे राधा चाय बना रही है सो तो इस तरह से हम ऑन बिहाफ आपका यूज़ बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी जाइए आप गूगल प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए अभिप्सा ऐप मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद